अस्सलाम वालेकुम मुअज्जज नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल द ग्रेट सेल जो के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 18 के बारे में। एपिसोड के आगाज में सांजार शर्मजार के दवाखाने में बेहोश लेटा होता है और तुरना हतुन उसके पास मौजूद होती है। इसी दौरान सांजार को होश आता है तो वो कहता है मैं यहाँ कैसे पहुँचा। इस पर तुरना हतुन कहती है तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, अगर थोड़ी सी ताखिर और हो जाती तो सूरत हाल बुरी हो सकती थी। यह सुनकर सांजार कहता है मुझ पर तुम्हारे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं अमीर जाती। यह कहकर सांजार बैठ जाता है और तुरना हतुन पूछती है तुम शर्मजार में इस जख्मी हालत में क्या कर रहे हो। मैं दुश्मनों की वजह से पूछ रही हूँ, अगर मुझे जरा भी अहमियत देते हो तो मुझे हकीकत बताओ। इस पर सांजार कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं अपने राज में किसी को शरीक नहीं कर सकता। यह सुनकर तुर्रा हतुन को बहुत दुख होता है और वो कहती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो दोबारा कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे। यह कहकर तुर्रा हतुन जाने लगती है तो सांजार उनका हाथ पकड़ कर उन्हें रोक लेता है और कहता है मेरी हकीकत सल्तनत का नसीब है, नजर न आने वाले हकायक को खोजना, तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है। यह सुनकर तुर्रा हतुन खामोश हो जाती है जबकि वहाँ मौजूद बाती तभी भी सांजार की बात सुनने की कोशिश करता है। फिर सांजार तुरना हतुन से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है मेरे दिल की हकीकत पर तुम्हें देखते ही लर्जा तारी हो जाता है। इसी लम्हे अमीर अल्तबर के आने का ऐलान होता है तो तुरना हतुन खौफजदा हो जाती है और सांजार से कहती है तुम्हें मेरे बाबा के सामने नहीं आना चाहिए। फिर सांजार को मरहम देते हुए कहती है इसे अपने जख्म पर लगाते रहना। इस पर सांजार मरहम ले लेता है और तुरना हतुन से कहता है कल शाम दरिया के पास आ जाए, मैं इंतजार करूंगा। यह कहकर सांजार वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानी जंगल में बाती सरबरा हसन सब्बा के साथ बैठा होता है। इसी दौरान रुस्तम उस बाती को लेकर आता है जो असफहान बाजार में लोगों को गुमराह कर रहा था, मगर अबू हामिद गजाली ने अपने दलाइल के जरिए उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। उसे देखकर बाती सरबरा गुस्से से कहता है इमाम आजम का मुकद्दस परचम गिर गया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यह कहकर बाती सरबरा खड़ा हो जाता है और कहता है गजाली नामी उस शख्स को सबके सामने इमाम आजम की बेअदबी करने की इजाजत कैसे दे सकते हो। यह कहकर वो एक ही वार में उस बाती का गला काट डालता है। फिर कहता है उस गजाली नामी शख्स की बीमारी आएगी, हसन उस गजाली के बारे में मुकम्मल तहकीकात का आगाज करो। उधर सलजोके महल में वज़ीर आज़म सुल्तान को बताते हैं कि सांजार ने मुकद्दस अमानते जंगल के करीब बातियों के हवाले की हैं। लगता है कि वो वहाँ से किसी खुफिया मुकाम की जानिब ले जाएंगे। मैंने स्पैन को खोज लगाने के लिए भेजा है मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। इस पर सुल्तान कहते हैं हमें जल्द अज जल्द हरकत में आना होगा। इसी दौरान सिपाही कोल के लिए एक नक्शे सुल्तान के सामने रख देते हैं और सुल्तान नक्शे की जानिब देखकर कहते हैं खुफिया दस्ते पर हमला हमारी फतोहात के रास्ते में रुकावट बन गया है, मगर हम इस नुकसान को पूरा करने की ताकत रखते हैं। वक्त आने पर हम उन्हें घेर कर मारेंगे, वह सांस लेने के काबिल भी नहीं रहेंगे। उस जंग की तैयारियां अभी से शुरू की जाए और इन बातों का यहाँ मौजूद लोगों के अलावा किसी को पता न चले। यह सुनकर वजीर आजम कहते हैं जो हुक्म सुल्तान। फिर सुल्तान कहते हैं अब यह अलमान की जिक्र की गई गद्दारी को पकड़ने का वक्त है, हसन सब्बाह को मेरी खिदमत में पेश किया जाए। इधर महल के सहन में सब्बाह अमीर अबुल कासिम के साथ मौजूद होता है। अबुल कासिम कहता है एनातोलिया की नियाबत काफी नहीं है, मुझे पूरे इलाके की हुक्मरानी चाहिए। लेकिन शहजादे ताबार की नजरें भी एनातोलिया पर लगी है, मलिक ताबार हुक्मरान खानदान का फर्द है, उससे मुकाबले का कोई तरीका तलाश करना होगा। इस पर सब्बाह मुस्कुराते हुए कहता है उससे मुकाबले का एक ही तरीका है, आप हुक्मरान खानदान से करीबी रिश्तेदारी कायम करें। माह मलिक खातून की शादी का वक्त हो चुका है। यह सुनकर अबुल कासिम कहता है मैंने सालों से वफादारी के साथ सल्तनत की खिदमत की है, मगर सुल्तान की बेटी का हाथ मांगना हसास मसला है, तुम इस महल में रहते हो और इस काम का सही तरीका जानते हो। इस पर हसन सब्बा आहिस्तगी से कहता है मलिक शाह के ताले की चाबी तरकान खातून है और उनकी चाबी अमीर ताजुल मुल्क है। इसी दौरान वहाँ हाजिब कुमाज आता है और सब्बा से कहता है सुल्तान अपने दरबार में तुम्हारे मुंतजर है हसन सब्बा। यह सुनकर हसन सब्बा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी जानिब शर्मजार के बातनी इलाके में असलान ताश और सांजार कामकाज में मसरूफ होते हैं। सांजार कहता है इन्होंने यह हज संदूक तैयार किए हैं, वो जरूर बहराम के पास से होकर जाएंगे और यह मुकद्दस अमानतों को संदूकों में छुपाकर अपने सरदार के पास ले जाएंगे और हम उनके जरिए उनके खुफिया ठिकाने और उनके सरदार तक पहुंच जाएंगे। यह सुनकर असलान ताश पूछता है क्या हम जाने वाले काफिले का ताकुब करेंगे, तो सांजार कहता है इतने अहम कामों के लिए जाने वाले काफिले अपने पीछे कोई सुराख नहीं छोड़ते, अगर हम इनका पीछा करते हुए पकड़े गए तो ये समझ जाएंगे कि हम जासूस हैं। असल चीज इनके ठिकानों का मालूम करना नहीं है बल्कि इनमें दाखिल होना है, एक दफा अंधेरा हो जाए फिर हम भी इन संदूकों की आड़ में जाएंगे। उधर सलजोकी महल में ताजुल मुल्क बागा बागा तरकान के पास आता है और कहता है तरकान खातून वसीयत की तलाश में जाने वाले हमारे सिपाही पर डाकू ने हमला कर दिया है, वसीयत भी गायब है। इस पर तरकान गुस्से से कहती है ये डाकू का काम नहीं है, जरूर इसमें भी एलचन खातून का हाथ होगा। इधर कमरे में हसन सब्बा हाथ बांधे सुल्तान के सामने खड़ा होता है। सुल्तान कहते हैं उस किले की तरफ तुम ही गए थे हसन सब्बा, बगैर गद्दारी के ऐसा होना नामुमकिन, क्या कोवल के करीब तुम्हारी मुलाकात हमारे खुफिया दस्ते से हुई थी। यह सुनकर सब्बा उस लम्हे को याद करता है जब कोवल से वापसी पर वो जंगल में यालमान से मिला था। यह ख्याल आते ही सब्बा झूठ बोलते हुए कहता है मेरा उनसे सामना नहीं हुआ सुल्तान, मैं अपना फर्ज मुकम्मल करते ही वापस आ गया था। इस पर सुल्तान गुस्से से कहते हैं तुम अपना फर्ज सही तरह से अंजाम नहीं दे सके सब्बा, हमने तुम्हें कोल इसलिए भेजा था ताकि तुम उन्हें सबक सिखाओ और उनके हाथ पांव बांध दो, लेकिन उन्होंने हमारे सबसे कमजोर पहलू पर वार किया है। जवाबन सब्बा कहता है मैंने उन्हें खबरदार किया था सुल्तान। इससे पहले कि सब्बा अपनी बात मुकम्मल करता सुल्तान गुस्से से अपना खंजर मेज में गाड़ देते हैं और खड़े होकर कहते हैं तुम अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो सब्बा, तुम उन्हें वो सबक नहीं सिखा सके जो उन्हें
सिखाने की जरूरत थी और ना ही उनके हवाले से कोई अहम मालूमात लेकर आए। यह सुनते ही सब्बा उस लम्हे को याद करता है जब बातें सरबरा ने उसे कुछ तुतनिया से कोल की जानिब आने वाले खसूसी दस्ते के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि इस खबर का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह ख्याल आते ही सब्बा कहता है सुल्तान कुछ तुतनिया से ताजा दम जंगजू और जदीद असलहा कोल के लिए पहुँचने वाला है और शहनशाह का भतीजा उनकी सरबराही कर रहा है। जब मैं कोल गया था तो मुझे ये वहाँ के ताजरों से मालूम हुआ था। वह कोल किले से एक दिन की दूरी पर है सुल्तान। मेरे ख्याल में इन मालूमात से फायदा उठाने का यही सबसे बेहतरीन वक्त है। यह सुनकर सुल्तान गौर से सब्बाह की जानिब देखते हैं और कहते हैं कुस्तुंतुनिया बेकार में इतने सिपाही और इतना असलाह नहीं भेज रहा। जितनी हमारे लिए उस खुफिया दस्ते की अहमियत थी उतनी ही अहमियत इस लश्कर और असलहे की कोल के लिए है। इस महल में तुम्हारी बका इन मालूमात के ठीक होने के साथ जुड़ी है सब्बाह। इधर महल के राहदारी में तरकान अपने खादमा फिरदौस से कहती है एलचैन सल्तनत को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी खबासत दिखा रही है और सफीरिया खातून भी उसे हमेशा के लिए महल में रखना चाहती है। वो उसकी हर बात को सच समझती है। एलचैन ने हर एक की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। पहले हमें उन पर्दों को हटाना होगा फिर हर कोई जान लेगा कि वो किस किस्म की शैतान। एलचैन खातून पर हर वक्त नजर रखो फिरदौस। इस पर फिरदौस कहती है आपका हुक्म सर आंखों पर बेगम साहिब। दूसरी जानिब शर्मजार में रात के वक्त असलानताश और संजार बातियों के बनाए गए संदूकों के पास जाते हैं। संदूक देखकर संजार कहता है ये सब कुछ वैसे ही नहीं किया गया असलानताश, इसके पीछे जरूर कोई मंसूबा है। मैं इन संदूकों के जरिए वहां जाऊंगा। तो असलानताश कहता है तुम्हारा काम तो सीधा खुद को खतरे में डालना है। इन संदूकों में खतरनाक जहर है। अगर तुम सही वक्त पर संदूक से बाहर ना निकल सके तो तुम बच नहीं पाओगे। इस पर संजार कहता है मैंने सुल्तान से वादा किया है अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं परवाह नहीं करूंगा असलानताश। यह सुनकर असलानताश कहता है फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जब तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो तो फिर मैं पीछे नहीं रह सकता। जवाबन सांजार कहता है तुम वो करो जो मैं कह रहा हूँ इतना काफी है असलानताश। यह सुनकर असलानताश खामोश हो जाता है और सांजार एक संदूक में दाखिल हो जाता है। सांजार के संदूक में छुपने के बाद असलानताश संदूक को रस्सी से बंद कर देता है। इसी दौरान उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो सांजार से कहता है कोई आ रहा है। यह कहकर वो एक तरफ छुप जाता है। इसी लम्हे रुस्तम एक बातनी के साथ वहाँ पहुँचता है और कहता है खुदा ना खौफ़ता इन संदूकों के साथ कुछ गलत हो जाए हम मुकद्दस अमानते इनके अंदर छुपाएंगे। यह सुनकर बातनी संदूकों की जानी पड़ता है तो रुस्तम कहता है इन्हें हाथ मत लगाओ इनके अंदर जहरीला मवाद है। इसके बाद रुस्तम बाती के साथ वहाँ से चला जाता है और असलानताश संदूक के पास आकर कहता है हर चीज अब तुम्हारी ताकत पर मुनहसर है सांजार अगर तुम बर वक्त इन संदूकों से बाहर ना आए तो तुम मर जाओगे। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे कुस्तुंतुनिया से आने वाला बड़ा सुलूबी लश्कर कमांडर थियोडोर की क्यादत में बेशुमार असलहा लिए हुए जंगल से गुजरा होता है। इसी लम्हे मलिक ताबार अपने चेहरा छुपाए एक घोड़ा गाड़ी के साथ उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर सुलूबी सिपाही रुक जाते हैं और अपने तीर उस पर तान लेते हैं। थियोडोर पूछता है कौन हो तुम। यह सुनकर शहजादा ताबार अपना चेहरा आया कर देता है और कहता है तुम कुस्तुंतुनिया से इतना बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हो मगर तुम्हें अपने दुश्मन का ही नहीं मालूम जिससे तुमने जंग करनी है थियोडोर। इस पर थियोडोर के मुंह से बेसाख्ता निकलता है। तुर्क फिर कहता है मुझे अपना नाम बताओ ताकि मुझे मालूम हो कि मैंने खून बहाने की इब्तिदा किससे की। जौबन मलिक ताबार कहता है फिक्र मत करो तुम मेरा नाम अपने आदमियों के सरों पर देख लो। इसके साथ ही ताबार की घोड़ा गाड़ी में छुपे सलजूकी सिपाही उठकर सुलूबी पर तीरों की बारिश कर देते हैं और बहुत से सुलूबी सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। अगले ही लम्हे ताबार और उसके जांबाज घोड़ा गाड़ी से कूदकर सुलूबी की जानिब बढ़ते हैं। इसी लम्हे सुल्तान भी एक तरफ से अपने सिपाहियों और साथियों के साथ शेर की तरह दहाड़ते हुए मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और मैदान जंग सुलूबी लश्कर के लिए कतलगाह बन जाता है। सुल्तान के सिपाही सुलूबी सिपाही पर बढ़ चढ़ कर हमले करते हैं। मलिक ताबार की तलवार बिजली की तरह चल रही होती है और जिस जिस तरफ मुड़ती है दुश्मनों का सफाया कर देती है। हाजिब कुमाज और वजीर आजम निजामुल मुल्क भी दुश्मनों पर क़यामत ढहा रहे होते हैं। वजीर आजम का कुल्हाड़ा दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। उनके कुल्हाड़े से टकराने वाली दुश्मन की तलवारें भी टुकड़े टुकड़े हो रही होती है। वजीर आजम जंग के दौरान अपने मखसूस अंदाज में इतनी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं कि चारों अतराफ उनकी आवाज से गूंज उठते हैं और इस लश्कर की क्यादत करने वाले सुल्तान मलिशा के फेंके हुए नेज़े दुश्मन के सीनों को चीर डालते हैं और उनकी तलवार दुश्मनों पर मैदान जंग तंग कर देती है। दूसरी जानी बाती सिपाही रुस्तम की क्यादत में संदूक लेकर बहराम के पास पहुंच जाते हैं जबकि सांजार भी एक संदूक में छुपकर सारा मंजर देख रहा होता है। बहराम कहता है सलजोक मुकद्दस अमानतों को हर तरफ तलाश कर रहे हैं इसीलिए मजबूरन मुझे जंगल से दूर आना पड़ा। हजरत वाला हमारे मुंतजर है मुकद्दस अमानतों को इस तरह रखने की नजर न आए तुम रवाना हो जाओ मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। यह कहते हैं वो मुकद्दस अमानत रुस्तम के हवाले कर देता है और रुस्तम अमानत घोड़ा गाड़ी में छुपा कर सिपाही के साथ रवाना हो जाता है। उधर मैदान जंग में सुल्तान और उनके जांबाजों ने कहराम बर्पा किया होता है। सुल्तान सुलूबी सिपाही को पकी हुई फसल की तरह काटते हुए थियोडोर की जानिब बढ़ते हैं। सुल्तान को अपनी जानिब आता हुआ देखकर थियोडोर भी उनकी जानिब बढ़ता है और फिजा में बुलंद होकर सुल्तान पर हमला कर देता है मगर सुल्तान उसकी एक नहीं चलने देते और गोंसे और लाते मार मार कर उसे बेबस कर देते हैं। सुल्तान के पे दर पे हमलों से थियोडोर जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है मगर खौफ के मारे एकदम से उठ
खड़ा होता है और गौर से जमीन पर पड़ी अपनी तलवार की जानिब देखता है। इस पर सुल्तान पहुंचे थियोडोर की तलवार उसकी जानिब फेंकते हैं, जिसे उठाते ही थियोडोर एक बार फिर सुल्तान पर हमला आवर होता है। मगर सुल्तान अपनी बेमिसाल महारत का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर थियोडोर से तलवार ले लेते हैं और उसके तमाम वार नाकाम बनाकर उसे घुटने के बल ले आते हैं। इसी दौरान वजीर आजम और बाकी लोग सुलेबी लश्कर का सफाया कर डालते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह अपनी तलवार थियोडोर के गले पर रख लेते हैं। इस पर थियोडोर कहता है, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुमने किसकी गर्दन पर तलवार रखी है? मैं शहंशाह रोमानोस का भतीजा हूँ। जौबन सुल्तान कहते हैं, फिर तो तुम अपनी गर्दन पर तलवार रखने वाले को भी अच्छी तरह जानते होगे। सुल्तान मोहम्मद अलप अरसलान का बेटा सुल्तान मलिक शाह। यह सुनते ही खौफ से थियोडोर की आंखें खुली की खुली रह जाती और वह कहता है, अगर तुम्हारी इस हरकत का शहंशाह को इल्म हो गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। थियोडोर की धमकी सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वह गरजते हुए कहते हैं, तुम सारी काफी रियासतों को इकट्ठा करके ले आओ तो अभी मैं अपने एक शहीद के बदले तुम सबको खून में नहला दूंगा। इस पर थियोडोर कहता है, तुम कोल किले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते मलिक शाह, वो किला एक अजदहा बनकर तुम्हारी सारी जमीनें निकल लेगा। जौबन सुल्तान कहते हैं, मैं तुम पर बस थोड़ी ही करूंगा, हमने अपनी तलवारें इंतकाम के लिए तेज कर रखी, हम आखिरी गर्दन के काटने और आखिरी सर के उतारने तक पीछे नहीं हटेंगे। यह कहते साथी सुल्तान एक ही वार में थियोडोर को मौत के घाट उतार देते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का भी इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाज़मी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।